सब्सक्राइब करें हिंदी न्यूज चैनल को और सबसे पहले न्यूज पाने के लिए घंटे को जरूर दबाएं, ये बिल्कुल फ्री है। टाटा की नई एसयूवी ब्लैकबर्ड टेस्टिंग के दौरान पहली बार तस्वीरों में नजर आई है। टाटा मोटर्स कुछ समय से ब्लैकबर्ड के लॉन्च पर काम कर रही है। इस एसयूवी को 2020 में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। स्पाई तस्वीरों में एसयूवी के डिजाइन के बारे में कुछ जानकारियां मिली है। भारत में एसयूवी सेगमेंट काफी तरीके से बढ़ रहा है, जहां फुल साइज एसयूवी सेगमेंट में अच्छी बिक्री देखी जा रही है। वहीं कॉम्पैक्ट एसयूवी और मिड साइज एसयूवी की बिक्री में भारी वृद्धि हुई है। ऑटोमोटिव उद्योग में मंदी के बावजूद किया सेल्टोस और एमजी हेक्टर को हजारों में बुकिंग मिल रही है। इस वर्ष की शुरुआत में टाटा ब्लैकबर्ड के विकास के बारे में रिपोर्टर सामने आई थी कि टाटा ब्लैकबर्ड का उद्देश्य टाटा नेक्सन और टाटा हैरियर के बीच के अंतर को भरना है। इस सेगमेंट में 3.7 और 4.3 मीटर के बारे में बनाई जा रही है। अगर टाटा नेक्सन की लंबाई 4 मीटर वही टाटा हैरियर की 4.6 मीटर की लंबाई है, इसलिए यह माना जा रहा है कि टाटा ब्लैकबर्ड की लंबाई लगभग 4.3 मीटर होगी। ब्लैकबर्ड की स्पाई तस्वीरें से एसयूवी के डिजाइन के बारे में कुछ जानकारियां मिली है। तस्वीरों में सामने की तरफ टाटा का सिग्नेचर स्प्लिट हेडलैम्प डिजाइन दिया गया है। हेडलैम्प को बम्पर में नीचे रखा गया है, जबकि एलईडी डीआरएस हेडलैम्प्स के ऊपर है। बॉडी डिजाइन देखने में भारी भरकम लग रहा है। वही अलॉय व्हील्स कार को काफी स्टाइलिश रूप दे रहे हैं। अगर हम बात करें इंटीरियर की तो कोई भी तस्वीरें अभी इंटीरियर के सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि टस्किन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ प्रीमियम अंदरूनी सुविधा पा दी जाएगी। टाटा ब्लैकबर्ड में नेक्सन के इंजन लगाया जा सकता है। टाटा नेक्सन 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर के डीजल इंजन के साथ आता है। दोनों इंजन 110 bhp का पावर और जबकि डीजल इंजन 260 nm का अधिकतम टॉर्क आउटपुट देता है। उम्मीद है कि इन इंजनों को टाटा ब्लैकबर्ड में लगाए जाने पर टाटा और पावर आउटपुट में थोड़ी बढ़ोतरी होगी। ट्रांसमिशन के विकल्पों का टाटा नेक्सन में समान 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और 6 स्पीड MT शामिल होंगे। भारत में आने वाली एसयूवी को BS6 उत्सर्ग मानकों के अनुसार अपग्रेड किया जाएगा। टाटा ब्लैकबर्ड का मुकाबला किया सेल्टोस और ह्युंडई क्रेटा से होगा। टाटा मोटर 2020 के इंडियन ऑटो एक्सपो में इसको प्रदर्शित कर सकती है। तो दोस्तों, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये नई टाटा ब्लैकबर्ड एसयूवी कार कैसे लगी। इसकी लगभग कीमत 3.80 लाख से लेकर 7 लाख रुपए के बीच होगी। तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना। आज के वीडियो का टारगेट रखते हैं हम 900 लाइक का। जल्दी से 900 लाइक के टारगेट को पूरा करें। आपका एक लाइक मेरी बहुत मदद करता है। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।